दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब। मैं बाबूराम कोबरे, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गंदो भलेसा की सबसे बड़ी मार्केट ग्वाड़ी मार्केट में हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको ग्वाड़ी मार्केट को दिखा रहा हूँ, मार्केट की व्यू दिखा रहा हूँ। और आज कड़वा चौथ का दिन है, काफ़ी चहल पहल है मार्केट में, काम का टाइम है, काम का महीना है। इस महीने में लोगों को जहर खाने की फुर्सत नहीं, फिर भी लोग दुकानों पर, आप देख सकते हैं ये महिलाएँ करवा चौथ की तैयारी करती हुई, और यहाँ पर ये महिलाएं कॉस्मेटिक की दुकान है, इस पर करवा चौथ की तैयारी करती हुई, काफ़ी अच्छी दुकान है। अब मैं थोड़ा दुकानदार को भी आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं बिंदी वगैरह लगी हुई, ये दुकानदार हैं यहाँ के। और आप देख लीजिए, ये ग्वाड़ी मार्केट है, बस स्टैंड भी यही है, मार्केट भी यही है, क्योंकि इस मार्केट में अभी बस स्टैंड नहीं बना है, इसलिए इसे ग्वाड़ी बस स्टैंड ही कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मस्जिद, एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको, मार्केट गाड़ियाँ लगी हुई हैं आइट साइड में, गंदों के लिए जाने वाली, ठाठी डोडा के लिए जाने वाली गाड़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हुई, काफ़ी बढ़िया मार्केट, क्योंकि भलेसा की सबसे बढ़िया मार्केट है, डोडा के बाद यही मार्केट आती है, जम्मू के बाद सस्ती। और ये फ्रूट की दुकान पर अभी मैं गया हूँ, देखिए दुकानदार यहाँ पर किसी को फ्रूट दे रहे हैं, केले वगैरह, कितना अच्छी तरह से सजावट करके रखा हुआ है इन्होंने सब्जी को, फ्रूट को केले लटका के रखे हैं। ये कोई ले रहा है आगे से मेरा भाई, प्याज, आलू, अनार वगैरह, टमाटर, अंडे, सब वैरायटी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी दुकान है यहाँ की, बहुत बढ़िया ग्वाड़ी बस स्टैंड का। और ये देख सकते हैं आप, दूसरी कॉस्मेटिक की दुकान पर मैं गया हूँ, यहाँ पर भी खरीदारी हो रही है, काफ़ी अच्छी दुकान है, आप देख सकते हैं दुकानदार मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हुए। कड़वा चौथ है तो मेरे ख्याल में काफ़ी रश है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है मार्केट में, काफ़ी अच्छा हो रहा है, दुकानदार भी खुश दिख रहे हैं। उसके बाद में आपको थोड़ी और दुकानें दिखाऊंगा। दोस्तों ये मार्केट बहुत बढ़िया है, जम्मू के बाद सस्ते रेट पर सामान सिर्फ इसी मार्केट में मिलता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जगह ही नहीं है मार्केट की, बस स्टैंड बनने की कोई जगह नहीं है। और सर ठीक हो सर? और मैं एक काम धंधा ठीक चल रहा है सर, दूसरे दुकानदार के पास जाता हुआ आपको उसकी दुकान दिखाता हुआ, काफ़ी अच्छी दुकान, बड़ी दुकान। कैसा आपका काम धंधा? दुकानदार काफ़ी खुश, काफ़ी बढ़िया सजावट दुकान में की हुई। और एक बार फिर मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, मार्केट की व्यू दिखा रहा हूँ। ये है जी हमारी ग्वाड़ी मार्केट। लोग इस टाइम तो लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता आने जाने का, क्योंकि असोज का काम चला हुआ, घास कटाई, मक्की कटाई, लेकिन फिर भी लोग जो है तो मार्केट में आ ही रहे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ दुकानें वगैरह, मार्केट बस यही मार्केट है, यहाँ पर कभी इतना बड़ा जाम लगता है कि पूछो मत, हद से ज़्यादा जाम। और एक और दुकान, काफ़ी सामान बाहर भी रखा हुआ है। और ये पुल, कभी कभी इस पुल पर इतना जाम लगता है कि पूछे मत, क्योंकि बस स्टैंड नहीं है, गाड़ियों को इधर उधर कोई चलने की जगह नहीं, तो जिसकी वजह से बड़ा जाम लग जाता है। तो ग्वाड़ी मार्केट में अभी बस स्टैंड बनने का, बाकी लगभग सारी तैयारियाँ ठीक ही हैं। और यहाँ पर एक मैं छोटे से खोखे वाले के पास जा रहा हूँ, जिसके पास केले वगैरह, फल फ्रूट सब कुछ है। और इसके पकौड़े काफ़ी मशहूर, तल रहा है पकौड़े, काफ़ी मशहूर, काफ़ी बढ़िया पकौड़े, आप देख सकते हैं ताज़ा पकौड़े, मैं खाऊँगा एक दो पीस। और ये काफ़ी मेरे सामने और हिला रहे हैं पकौड़ों को, अपने पकौड़े ताज़ा और अच्छा होने के सबूत देते हुए। और आप देख सकते हैं सब्ज़ी वालों को यहाँ पे, ये खोखे वाले हैं बेचारे, लेकिन ये भी अपना दिन कमा ही लेते हैं। यहाँ पर एक और खोखे वाला बैठा हुआ किसी से बातचीत करता हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नेचर लवर बाबूराम मेरा यूट्यूब चैनल है, नेचर लवर बाबूराम मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये पुलिस पोस्ट, ये आपको पुलिस पोस्ट दिखा रहा हूँ मैं बोर्ड। और यहाँ पर कुछ कपड़े बेचने वाले आप देख सकते हैं, कुछ लोग कपड़े बेचने वाले। और ये पार से दरिया और हॉस्पिटल, ये चंगा हॉस्पिटल कहा जाता है इसको। आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ मस्जिद, जामा मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है ये, भलेसा की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। एक बार फिर दिखाता हूँ भलेसा की सबसे बड़ी मस्जिद को, काफ़ी अच्छा व्यू है आगे दिखने को। और ये दरिया भी है, आज तो दरिया काफ़ी कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा दरिया है, ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पीछे की ओर आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये बसें जो डेली सुबह जम्मू चलती हैं, ये जम्मू जाने वाली बसें हैं। तो दोस्तों आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नेचर लवर बाबूराम मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। और दोस्तों वीडियो को पूरी देखिए, पूरी वीडियो देखिए। आपको अब मैं दिखा दूँ, मैं लास्ट पुल पर पहुँच चुका हूँ। अब ये काहल जुगासर के लिए, सोती चंगा वगैरह के लिए ये रोड जाता है। और ये रोड जो है, ये डुडवाड़ चांटी के लिए, ये रोड जो दिख रहा है, ये चांटी के लिए लगी हुई गाड़ी। तो अब मैं खुद इस इधर गाड़ियों को दिखा रहा हूँ आपको, अब मैं भी जाने वाला हूँ।
अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, ड्राइवर की सीट पर बैठ चुका हूँ मैं, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर निकल जाऊँ गाड़ी लेके सवारियाँ भर के। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।